पोलिंग पार्टी हमारे पर रेडी हो गए चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए। We the athlete of the first ever. I declare the first inter-school district sports festival 2024 open. और इसी के साथ जबरदस्त तानाताने होते हुए वेल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल सबॉय प्रीतम, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट विद प्रीतम। हम सब जहाँ भी होंगे तहाँ पर तो मस्ती कर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 8:30 में शुरू कर रहा हूँ अपने घर से, एंड आज एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम होने वाला डांबोक में, फर्स्ट एवर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट फेस्ट 2024 जो कि डांबोक में ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 4 तारीख से 14 तारीख तक होगा। ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे हो रहा है, आई थिंक सो बाकी जो मैचेस होगा वो रोइंग में होने वाला है। तो यहाँ पे जो चीफ पैट्रोन रहने वाला है वो 43rd असेंबली रोइंग का MLA जो कि हमारा है मुचिमिथी सर, वो होने वाला है, और पैट्रोन होने वाला है हमारे डांबुक का इस 42nd असेंबली का MLA श्री पुन्यापम सर। तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, एंड यहाँ पे जितना भी हमारा हायर सेकेंडरी हो गया, कस्तूरबा हो गया, रोइंग से बहुत सारे बच्चे हैं, सुना है जेवलिन थ्रो से लेके एवरी मैच, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स सब लोग इस स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, राइट। तो अभी चलते हैं जहाँ के वहाँ पर वो दिखाते हैं कैसे कैसे मैच चल रहा है, और चीफ गेस्ट भी आने का समय हो गया होगा क्योंकि सुबह से बारिश दे रहा था, तो टाइम तो 8 बजे का दिया था, तो लेकिन थोड़ा लेट से शुरू होना चाहिए मेरा ख्याल से। तो अभी हम बाइक लेके निकलने वाला था लेकिन अपना बाइक का टायर पंक्चर हो गया, जैसा कंडीशन तो गया ही है, तो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, 2-3 दिन से यहाँ बहुत बारिश दे रहा है ना। अभी चलते हैं, चलो पिल की तरफ, यहाँ पूरा लेबर लोग ने सफाई किया है, बढ़िया लग रहा है अभी आंगन जो। तो ये है हमारा डांबो का जनरल फील्ड, और जहाँ पे आज के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्ट होने वाला है, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट फेस्ट, और यहाँ पे अभी प्रैक्टिस चल रहा है कराटे का, इन लोग रोइंग्स आए हुए हैं, बीच में एक फीमेल है और 4-5 बॉयज़ हैं, साथ में कोच भी है। तो अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा डीले हो गया। यहाँ पर हमारा कस्तूरबा और डांबो के जितने भी बच्चे हैं सब लोग आके फील्ड में ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी आए हैं, और साथ में एक साइन बोर्ड लेके खड़ा है जिसमें स्कूल्स का नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली जो जो स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, नियर अबाउट 28 स्कूल्स हैं, तो उन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप, तो पोलिंग पार्टी हमारे पर रेडी हो गया चीफ गेस्ट को वेलकम करने के लिए। तो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के हमारे 42nd असेंबली की MLA सर श्री पुन्यापम सर, तो उनके वेलकम के लिए सारी पोलिंग पार्टी यहाँ पे है। अहम तो मैं जो रिनॉल साइक्लिस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने स्टेट लेवल में इंटरनेशनल लेवल में हर समय हमारे स्टेट के लिए हमारे नेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे बीच में। सो विल यहाँ पर कांग्रेस साहब की ओपनिंग सेरेमनी है, तो प्रोग्राम बाय बेरिंग ऑफ द टॉर्च बाय मिस्टर अहम तो मैं जो। तो अभी फ्लैग होस्टिंग हो गया हमारा, ओलंपिक फ्लैग होस्टिंग बाय आवर ऑनरेबल MLA सर, एंड आई थैंक माय होल टीम डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द हार्ड वर्क दे हैव डन टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल, एंड आई बिलीव दैट एवरी पार्टिसिपेंट विल टेक दिस गेम सीरियसली and will participate with full spirit as a sportsman. Okay.
Character demonstration. Awesome. मंच पे हमारे साथ बैठे हुए गेस्ट ऑफ ऑनर रेस्पेक्टेड एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर दम्बो और साथ में बैठे हमारे लर्नेड डेप्यूटी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लर्नेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दम्बो और हमारे साथ यहाँ फर्स्ट ईयर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 में हमारे यहाँ के दम्बो गांव बुराज और यहाँ के सीनियर सिटीजन्स और यहाँ विभिन्न प्राइवेट कंपनी से आए हुए उनके प्रतिनिधि और स्पेशली
आज के इस उत्सव को जिन्होंने पूरी कोबी के साथ ये स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज किया है, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके टीम और यहाँ आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं विभिन्न स्कूल से आए हुए, मैं आप सभी से सभी को शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा, सब स्कूल कैप्टन्स जो है वो प्ले छिलेंगे, ओथ लेंगे। ऑफ द फर्स्ट एवर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेयर स्वेयर टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स विद रेस्पेक्ट एंड फेयरनेस। वी प्रॉमिस टू प्ले विद इंटीग्रिटी, टू ऑनर द रूल्स एंड द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, टू शो रेस्पेक्ट for our opponents and officials, and to give our best in every event. We pledge to uphold the true spirit of sportsmanship in the pursuit of excellence and unity. We make this sound off. I declare the first inter-school district sports festival 2024 open. टग ऑफ वॉर होने वाले हैं हमारे हायर सेकेंडरी के गर्ल्स और केजीबी के गर्ल्स के बीच, काफ़ी रोमांचक होने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है। तीन राउंड होगा, तीन राउंड से जो दो राउंड जीत जाएगा उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये पार्ट है अपना केजीबी भी और ये अपना हायर सेकेंडरी की गर्ल्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की। और इसी के साथ जबरदस्त ताना ताने होते हुए कैजी भी काफी बढ़िया से खींचते हुए, इधर हायर सेकेंडरी भी काफी बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, पर पहला राउंड लगता है केजीबी भी ले गया। ये है सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड केजीबी भी जीत गया। और इसी के साथ फिर से जोर लगाते हुए काफी दमदार खेल खेलता है, लेकिन फिर से बहुत आसानी से हमारे कस्तूरबा गांधी तांबुक स्कूल जीतते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ सेकेंड राउंड
जीत चुका है हमारा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आज का जो प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंटर क्लास का जो ओपनिंग सेरेमनी था सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड कल से ये मैचेस चलेगा, अभी कुछ दिन दामबुक में भी होगा, कुछ दिन बाहर भी होगा, स्कूल्स में भी होगा जैसे मुझे पता चला है। एंड जो 14 को ये ख़त्म होगा तो बहुत अच्छा अच्छा मैसेज भी मिला है, जो भी डिग्नेटरीज आया था उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स को लेके हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, जैसे पढ़ाई जरूरी है साथ में स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। एंड सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सोलूम के लिए नहीं, पूरा साल उसको अच्छे से खेलना है, जैसे पढ़ाई करने साथ में खेलना भी। खेलने से क्या होता है, आपका एक्सरसाइज भी होता है, स्विमिंग करने से जैसे योगा करने की जरूरत नहीं है आपको ना, तो मतलब बहुत कुछ होता है खेल से, बहुत सारा फायदा होता है, तो खेल से जुड़ा रहना बहुत अच्छा है। और खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। साथ ही साथ मैं आपको ब्लॉग में जरूर देखने मिला होगा आपको कि इसमें सेल्फ डिफेंस का कराटे का बारे दिखाया था, जो कि आज का जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप आए दिन न्यूज़ में सुन रहे हैं रैप केस, कोलकाता रैप केस हुआ, हर जगह में रैप 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 सुनते रहते हो, तो सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है, ताकि रास्ते में अगर छेड़ भी दे आपका बेटी को या आपका बहन को या हमारे बहन को कोई अगर छेड़ भी दे, तो हमारा बहन वो लायक होना चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दे पाए उसको ना, और पकड़ते हुए उसको पुलिस स्टेशन तक ले जा पाए। तो अभी नारी अबला अबला नहीं, अभी सबला बनना पड़ेगा, अभी ना लड़ाकू वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। तो उसके लिए सब बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि डांस करो, एवरीथिंग सब चीज़ करो, सब अच्छा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस जरूर सीखो, क्योंकि आपको मदद करने के लिए हर दिन कोई नहीं आएगा, तो आपको खुद का बचाव खुद ही करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ में आज का ब्लॉग को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नए में नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक लिए खुश रहिए, अपने मन के करिए, अपने दिल के सबसे बहुत प्रीतम सैनिक, जय हिंद जय भारत, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।